ये निपुण भारत का कार्यक्रम चल रहा है ना, इसमें क्या है जैसे हम बच्चों को कुछ चीज दिखा के पढ़ाते हैं तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। अब मान लो बस है ना, हमने बच्चे से कह दिया बेटा आ बना ले, तो बना लेगा नहीं बनाएगा, पहले वो उसको देखेगा समझेगा। तो आप लोगों को भी यही कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को चीजें दिखाकर पढ़ाएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो देख के बहुत जल्दी सीखते हैं, नकल करते हैं अपने पापा की, मेरे पापा ऐसे चलते हैं, मेरी मम्मी ऐसे साड़ी पहनती है, लड़कियां बहुत जल्दी सीख जाती है, ठीक है। तो उनको दिखाकर सिखाना ज्यादा अच्छा रहता है ना। अब देखो ये कुछ लक्ष्य बनाए हैं, मैं ना एक क्लास से बता दे रही हूँ। एक क्लास में क्या करना है, जैसे हिंदी का है, हिंदी में बच्चों को जैसे जल नल पल इस तरीके के तो आनी चाहिए, उसके साथ ही पूरा एक सेंटेंस भी आना चाहिए। जैसे ये लिखा है रथ पर चढ़ घर चल, ये पूरा वाक्य हो गया, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए रथ पर चढ़, ठीक है। लेकिन उसको साथ में मिला के पढ़ना आना चाहिए, जैसे राम आम खाता है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। पर आ की बात रहे तो लगी हुई है, इतना बच्चे को आना चाहिए ये हिंदी का, एक से 100 तक हिंदी आ जाए वन क्लास के बच्चे को। अब उसको ये सवाल भी आने चाहिए कम से कम। अब आपका बच्चा जैसे उसकी उससे आप ये कह दो कि है ना 5 रुपए और 2 रुपए कितने हो गए बेटा, तो तुरंत बता दे 7 रुपए हो गए मम्मी। लेकिन अगर आप उसे कॉपी पे लिख के दोगे ऐसे 5 और 7 तो शायद वो ना कर पाए, ठीक है। लेकिन उसको ये सब चीजें भी सिखाइए, घर पर भी सिखाई, हम तो सिखाई रहे, आप भी सिखाइए कि बेटा इस तरीके से ये जोड़ का निशान है, ये घटाव का निशान है। अभी पेपर हुआ है 2 दिन, ठीक है, एक तो कल हुआ था एक कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें क्या किया सारे बच्चों को जोड़ घटाव आते हैं, ठीक है, एक और एक क्या होता है बता दिया 2 होते हैं। लेकिन वो इनको नहीं पहचान रहा, क्यों नहीं पहचान रहा, क्योंकि हमने उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया ही नहीं है, हमने उसे बताया ही नहीं है। तो मैं इसलिए आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए, उसके साथ उसको दिखाइए भी कि बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। गणित के हो गए, गणित में एक तो उसको 100 तक हिंदी आनी चाहिए और इस तरीके के छोटे छोटे जो जोड़ और घटाव है ये आने चाहिए, इतना आपके बच्चे को आना चाहिए। हमारे यहाँ एक है ना निपुण भारत का, ये देखने के लिए टेस्ट होने वाला है कि किस क्लास का बच्चा कितना निपुण है। निपुण का मतलब होता है उसको कितना आता है, 1 क्लास के लायक वो जानता है कि नहीं जानता है, नहीं जानता तो फिर टीचर उसी तरह से और कोशिश करेगा उसको आगे लाने की, क्योंकि हर क्लास में हर बच्चा तो होशियार होता नहीं, कुछ बच्चे पीछे होते हैं कुछ बच्चे आगे होते हैं, तो उनको बैलेंस में लाने की। ये टेस्ट होगा 22 तारीख का, तो इसका आप लोग ध्यान रखना, घर पे प्रैक्टिस कराना। मुझे पता है आप सबके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको हेल्प करनी है, ठीक है। और आप भी देख रहे होंगे हम लोग भी अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं, कभी उनको गतिविधि करा रहे हैं।